मम्मी आ गई हैं। आ गई हैं। पप्पो के घर क्यों गई थी वो? किसी जरूरी काम से गई होंगी। क्या जरूरी काम है, तुमसे पूछ रही हूँ ना। निम्रा जाकर उनसे खुद पूछ लो, और अगर उन्हें मुनासिब लगा तो खुद बता देंगी। मतलब मेरी बात करने गई थी। शादी की डेट फिक्स कर ली है ना मेरी? हो सकता है ऐसे ही हो। मेरे साफ इनकार करने के बावजूद मेरी डेट फिक्स कर ली? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उनसे बात करनी होगी। निम्रा, इस वक्त भाई उनके पास बैठे, और मेरा ख्याल है मामला साफ हो जाएगा, गला दबा देंगे वो तुम्हारा। भाभी को पहले शक हो रहा है तुम्हारे रम्मी के रवैये की वजह से। शक है तो होने तो, मुझे उनसे बात करनी है। मम्मी क्या कर रही हैं आप मेरे साथ? मैंने आपसे कहा है ना मुझे नहीं शादी करनी उससे। अपनी आवाज नीची करो, मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसले करने का हक रखती हूँ। मम्मी मुझे अदनान से शादी नहीं करनी है। तुमसे तुम्हारी राय किसने पूछी है? कितनी खुदगर्ज़ हो तुम। ना तुम्हें अपने भाई की इज्जत का ख्याल है और ना ही अपनी माँ की बेवकूफी का लिहाज। अब मैं तुम्हें अपनी मनमानी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी, समझ गई तुम? रब्बावे 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 हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बावे। अम्मी निम्रा आपको बता कर गई है? क्या, कहाँ गई है वो? मैं किचन में थी, कहीं जा रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही, उसने कहा कॉलेज जा रही हूँ किसी काम से, और अम्मी को बता कर जा रही हूँ। दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? और तुमने उसे जाने क्यों दिया? इतना कुछ होने के बावजूद क्या मैं उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत दे सकती हूँ? मैं कैसे रोक सकती थी, अकेला भाभी वहीं पर थी, इसी बात का फायदा उठाया उसने। या अल्लाह, अब ये लड़की क्या करेगी, कहीं हमारे मुँह पे काला की ना मल दे। मेरा ख्याल है कि मुझे साथ को सब कुछ बता देना चाहिए। अम्मी प्लीज आप फिक्र ना करें, हो सकता है वापस आ जाए, बाकी उसे कोई काम हो कॉलेज में। अगर नहीं आए तो साथ भाई को बता देंगे, आप उनके गुस्से को तो जानती हैं। हर शरीफ इंसान अपनी इज्जत से डरता है। अगर मुझे जमाने का ख्याल नहीं होता ना तो मैं उसका गला दबा देती।